भाइयों को नमस्कार। कलश कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जगदीश यदुवंशी, चित्तौड़गढ़ हेडक्वार्टर राजस्थान से हूं। और हमारे साथ किसान भाई हमारे गोविंद जी सुकवाल। गोविंद जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गोविंद सुकवाल, विलेज पोटला गला, तहसील बदेसर, जिला चित्तौड़गढ़। जी हाँ, जैसे कि गोविंद जी हैं पोटला कला के हैं, तहसील भदेसर है, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो मक्का लगाई, आपने कौन सी मक्का लगाई सभी बताओगे आप? कलश की 53 एकड़ कलश कंपनी की 53 एकड़ में इन्होंने मक्का लगाई है। ये आपने कब लगाई थी मक्का? 24 जून 24 जून को इन्होंने मक्का लगाई है। आज हम तारीख की बात करें तो 18 सितंबर आज है। अगर हम दिन की बात करें तो ये मक्का है जो आज अपने 82 यानी 82-83 दिन का ये मक्का हो गया है। और आपको कैसा लगा ये मक्का? पैदावार में कई गुना अच्छा है और इसकी हाइट गम जाती है और हवा से ये टूटती नहीं है। जी जी जी। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कलश कंपनी का 53 एकड़ में मक्का है। इधर दिखाइए साहब, कैमरामैन जी आप, ये देखिए, ये इसका पूरा डिटेल है। कलश 53 एकड़ में, डेट ऑफ सोइंग 25/6/2021 और डेट ऑफ विजिट जो आज की तारीख है ये 18/9/2021 है। यानी ये 83 दिन का ये मक्का हो चुका है। किसान भाइयों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो कलश कंपनी का आप 53 एकड़ में मक्का देख रहे हो, एकदम ये है जो अभी इसको पकने में अभी लगभग 10 दिन और लगेगा। पूरी तरह से आप देख रहे हो पौधा पूरी तरह से हरा खड़ा हुआ है और टिप फिलिंग है ऊपर तक भर के आया हुआ है। और इसका जो दाना है इसका एकदम नारंगी रंग का, गहरे नारंगी रंग का दाना आएगा ये, और जिसके अंदर बिल्कुल भी गड्ढे नहीं है, एकदम चमकदार देसी टाइप का ये दाना है। तो किसान भाई आपको कैसा ये दाने में कैसा लग रहा है? देसी टाइप का है दाना, बिल्कुल देसी टाइप। कोई भी अपन भुट्टा देखते हैं तो ऊपर तक भर के आता है। अगर अपन लाइन की बात करते हैं, ये भुट्टा भी मेरे हाथ में जो कलश 53 एकड़ में है, अगर इसकी अपन लाइन की बात करें तो गोविंद जी लाइन गिनोगे कितना लाइन है इसके अंदर? यहाँ से गड्ढा करके यहाँ से गिन सकते हो आप। ये गड्ढा कर दिए, अब गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 लाइन है इसके अंदर है साहब। अगर दाने गिने तो अपन दाने गिनिए साहब, एक लाइन में दाने भी गिन दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 दाने एक लाइन के अंदर आ रहा है। और लाइन की अगर रो की बात करें तो 18 रो हैं और एक रो के अंदर 35 से लेकर 38 दाने इसके अंदर आ रहे हैं। एकदम चमकदार देसी टाइप का दाना है। किसान भाइयों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कलश कंपनी की 53 एकड़ में मक्का है पूरी तरह से हरा है। अगर अपन भुट्टे की बात करते हैं तो 3.6 यानी 3.5 से 4.5 फीट के दूरी पर इसका भुट्टा आ रहा है। और अगर पौधे की हम लंबाई की बात करते हैं, अभी जो हमने लंबाई ली है इसकी 7.5 फीट इसकी लंबाई आ रही है। जो इसके भुट्टे का जो आने की दूरी है इस प्रकार से है कि ये पूरे पौधे का बैलेंस बना के रखता है और कहीं इसके अंदर कोई रोग नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए कोई से भी पौधे को देखिए पूरे खेत के अंदर बहुत ही शानदार, इधर देखिए आप चाहे इधर देखिए बहुत ही शानदार पूरा पौधा हरा खड़ा हुआ है और बहुत ही टिप फिलिंग। अगर अपन कवर की बात करते हैं, देखो ये कवर देखिए आप, पूरी तरह से इसका कवर ढक के आता है और अगर बारिश भी आती है तो कवर के अंदर पानी नहीं जाता तो आपका भुट्टा ख़राब नहीं होगा। बहुत सी कंपनियों का अपन देखते हैं ना, उनका कवर पूरा खुल जाता है और वो भुट्टा के जैसे ही पानी आती है तो उसके अंदर नुकसान हो जाता है, बहुत से पक्षी भी उसको खाते हैं। दूसरे क्या, आप कलश कंपनी का कोई भी है जैसे भुट्टा देख रहे हो, देखो पौधे के बिल्कुल सटके आ रहा है जिससे कि पक्षी भी इसके अंदर नुकसान बहुत कम करते हैं। तो गोविंदी भाई आपका और कुछ कहने का है? नहीं, और कुछ जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।